कर रही हूँ पर हमारे बारे में आपने सोचा ही कब? सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही तो सोचा, पर इस चीज़ में आपका कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा, मैं जानती हूँ अब्बा। अगर आप ज़िंदगी में नाकाम हैं इसका मतलब आप ये तरीके ढूंढे अब्बा। पिछले साल अम्मा की तबीयत इतनी ख़राब थी, कितना फ़ोन किया तुम्हें, कितना बुलाया सब ने, माँ के लिए नहीं आई लेकिन भाई साहब के लिए आ गई। फैमी हम वहाँ पे खाली नहीं बैठे हुए, फराज साहब को छुट्टी नहीं मिली थी तो नहीं आए थे, इस दफा छुट्टी मिल गई तो आ गए। और तुम कौन होती हो हमसे पूछने वाली? ये सब क्या है? वो हमारी बेटी की शादी है तो अब तक यहीं रहूँगा। अच्छा, यही कहने के लिए बुलाया था आपने हमें? हाँ। अच्छा सुनो जी, इधर आओ, यहाँ बैठो, बात करनी है तुमसे। सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत। वो विजिट कर रही थी, कह रही थी शादी में उसको आना है। किसको? राहिला। किसको? राहिला। उसका दिमाग खराब हो गया है या आपका? किसका दिमाग खराब हुआ है? हमारी बेटी की शादी है, हमारी बेटी की शादी है, राहिला का क्या काम है? तुम जज्बाती हो रही है। जज्बाती नहीं हो रहे हम, जज्बाती नहीं हो रहे हम, जो कराए वो कराए, कम से कम हमारे मुंह पर तो ना मलिए। तो क्या करूं? क्या करूं क्या मतलब है? कैसे मना करूं उसे? हमारा मसला नहीं है ये, करते हुए पूछा था आपने हमसे, पूछा था क्या? तो अब क्यों पूछ रहे? कोई बहस नहीं होगी इस बारे में, सुन लीजिएगा, मेरी बच्ची की शादी खराब नहीं होनी चाहिए। अजीब मुसीबत में फंस गया हूं मैं, आप खुद की मुसीबत है ये, हमारी नहीं। उधर सुकून है, सुकून। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वो ऑर्डर डिस्पैच हो गया है, दो दिन में उनको मिल जाएगा, उसके बाद वो पेमेंट करेंगे। हाँ बस ऑर्डर देख के भेजना, पिछली दफ़ा कंप्लेंट्स आ गई थी तो। जी 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 भाई साहब। अच्छा भाई साहब, वो एक और बात आपसे करनी थी, वो शादी के खर्चों में थोड़ी कमी आ रही है। क्यों फिक्र कर रहे हो तुम, मैं हूँ ना, कर लूँगा सब कुछ भाई साहब, सब कुछ। अरे यार बहस मत किया करो, छोटे हो बस छोटे रहो। वो आ गई इफ्तिखार साहब की तरफ से पेमेंट, अब वो मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। इसको शुएब को साथ लेके जाना, पेमेंट ज़्यादा है। जी 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 भाई साहब। और सुनो, अपनी आयशा और बच्चियों को भी ले जाओ, कुछ खरीद लेंगे, एनी जो लेना चाहे लेके देना, कंजूसी मत करना। ठीक जी भाई साहब। हाँ ये तीन चार चीज़ें हैं, ये ज़रा देख लें। अम्मा अच्छा आ गया, प्रिंसिपल ने लेटर भेजा आपको और बाबा को स्कूल बुला रहे हैं। क्या हुआ खैरियत? पता नहीं, आप खुद ही जाके देख लेगा। अच्छा चेंज कर लो कपड़े। या अल्लाह, सुनो तुम्हारी सच में शादी हो रही है? मैं क्या तुमसे झूठ बोलूंगी? तुम इतनी लकी हो, आई मीन अगर मेरी शादी हो ना मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। यू नो पढ़ाई लिखाई से जान ही छूटे मेरी, पागल हो गई हो तुम सभी। अरे सोचो शादी के बाद नए कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मेकअप का सामान सब कुछ मिलता है, और फाखर तो है इतना क्यूट, मुझे तो बहुत पसंद है वो। हाँ तो तुम कर लो फाकर से शादी, काश।
ऐसे क्या बोल रही हो? अब तुम इतनी ना शुक्रिया हो तो मैं क्या करूँ? मुझे तो कोई झूठ मूठ में भी शादी का बोले मैं तो हाँ कर दूँ। क्यों you know, फाखिर इतना स्मार्ट लड़का। स्मार्ट। मेरी दोस्त मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी चॉइस इतनी बुरी है। तुम रहने दो, तुम अब ज्यादा ओवर हो रही हो। ओवर नहीं हो रही मज़े भी, मुझे ये शादी वादी का शौक नहीं है। तुम कभी मेरे घर आके रह के देखो, मेरी अम्मा की हालत देखो, ना तुम्हारा भी दिल नहीं करेगा शादी करने का। मुझे पढ़ना है, अपने पैरों में खड़ा होना है, कुछ पढ़ना है मुझे। शादी वादी में कुछ भी नहीं रखा हुआ। लेकिन फाखिर ऐसा लड़का नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि फाखिर कैसा लड़का है? हाँ, हर मर्द ना एक जैसा ही होता है, और वो तो है भी बड़े अब्बू और अब्बा का ही खून। एनी, अब शायद आंटी बुला रही है ना? शायद नहीं, बुला रही है। चलो मेरे साथ। आयशा नजर नहीं आ रही, वो गई है बाजार बच्चियों के साथ। क्या बात है, आजकल बड़े चक्कर लग रहे हैं बाजार के, वैसे तो कभी नहीं जाती थी। जाहिर है जहीन भाई के पैसों पे ऐश हो रहे हैं। समीना भाभी आपने नहीं कुछ लिया? आपके भी तो बेटे की शादी है। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं बनाना, जो बनाएंगे करेंगे, जहीर ही करेंगे। कब तक ये नाराज़गी पाल के बैठेंगी समीना भाभी? जहीर भाई के फैसलों के आगे कभी किसी की चली है भला? मेरी भी तो शादी कर दी थी फराज साहब से, देखा जाए तो कितना फ़र्क है हम दोनों में, कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है। ठीक कह रही हो भाई, ये तो। अरे भाई क्या बातें हो रही हैं। है ये फराज की खूबियाँ बयान कर रही है, अच्छाइयाँ बयान कर रही है, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या क्या है। इतना अच्छा क्या खाक अच्छा है अम्मा, कभी देखा है उनको? मेरे साथ बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हूर के बगल में लंगूर, उल्टा तवा भी साफ होगा। अरे मेरे बच्चे, मर्द की शक्ल सूरत नहीं देखी जाती, उसकी कमाई देखी जाती है, उसका रहन सहन देखा जाता है, उसका घर बार देखा जाता है। तो वो भी कौन सा कमाल है अम्मा, बस रहने ही दें आप लोग, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, सोचा भी नहीं। अरे लो, इसे क्या हो गया बैठे बैठाए, हैं हद होती है। लो, ये ठीक चल रही है ना? टाउन को भाई साहब। हाँ, जल्दी आ गए तुम, बच्चों को लेके लेकिन नहीं गए? नहीं, वो मैं लेके गया था, फिर उन्हें घर छोड़ा है, फिर यहाँ पर आया हूँ। अरे यहाँ क्यों निकाल रहे हो इनको, ये अंदर रखो। ये लो। ये भाई साहब आपने गिन लिए? नहीं मैंने नहीं गिने, तुमने तो गिने हैं ना, बस तुमने गिने मैंने गिने, बात एक ही। फिर भी एक दफ़ा आप गिन लेते। बल्कि ये हाँ चाबी दीदी है वाले। दो मशीनें खराब हैं, thank you.
इलियास भाई दो चाय बोलिएगा जरा आप। दो। भाई साहब पैसे रख दिए हैं ये चाबी। हाँ ठीक है, इसको मैंने समझाया दो मशीनें ख़राब हैं जी, इसके साथ जाके वो मशीनें ठीक करवाओ। काम का हल जो हो रहा है तुम्हें, पिछली दफ़ा भी लेट हो गए थे हम। ठीक है भाई साहब। मैं खाना लगाती हूँ। सुनो अब बस कर, ये जिद ये नाराजगी खत्म करो ना, ऐसी खुशी आखिर की शादी की तैयारी करो। जिद और नाराजगी तो वहां होती है ना जहां को मनाने वाला होता है। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं, इस घर में किसी से नाराज नहीं, बस दुख और अफसोस इस बात का है कि मैं फाखर के लिए लड़ नहीं सकी। दुश्मन मैं भी नहीं हूं उसका, बाप को मेरा भी कोई हक बनता है उसके ऊपर। देखो अपने जीते जी मैं उसकी सारी खुशियां देखना चाहता, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं डर गया हूं अंदर से, बिल्कुल डर गया हूं। मैं अब्बा मियां की तरह अपनी औलाद की खुशियां देखे बगैर इस दुनिया से नहीं जा सकता हूं। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि खुश असलूबी से शादी की तैयारियां करो, अपने लिए जेवर कपड़े खरीदो, बच्चों की खरीदारी करो, जैसे हमेशा मेरा साथ दिया है तुमने। मैं खाना लगा। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठा हुआ है बुत की तरह? अरे कुछ तो बोलो, मुंह में लड्डू ठूस रखे हैं। क्या बोलूं अम्मा, इतने ना पिद्दे पिद्दे बच्चों की शादियां हो रही हैं, एक नहीं हो रही है तो एक मेरी पूरे जहां में शादी नहीं हो रही है। आप मेरी शादी क्यों नहीं कर रही हो? या अल्लाह, फिर शुरू कर दिया तूने शादी का राग अलापना है। अरे बेटा कुछ नहीं रखा है इस शादी वादी में। हाँ जब दूसरे की शादी की बात है तो वहाँ इनकी शादी हो रही है, और जब मेरी शादी की बात है तो शादी में कुछ नहीं रखा। मैं बता रहा हूँ अम्मा, अब के तुमने मेरी शादी नहीं की ना तो मैं कुछ कर लूँगा। क्या कर लेगा? मैं अपनी जान दे दूँगा। दे ले तू अपनी जान, पहले रिमोट दे दे। ये ले। जी आपने बुलाया, खैरियत? जी बिल्कुल बिल्कुल खैरियत है। वो मुझे एनी की टीचर से पता चला कि आप लोग एनी की शादी करवा रहे हैं। जी करवा रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, एनी अभी बच्ची है, पढ़ाई कर रही है। एक्सक्यूज मैं कुछ कहूँ? हाँ जी प्लीज। जब से एनी का ये मामला चल रहा है वो बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही, हर वक्त पता नहीं कहाँ खोई रहती है, किन ख्यालों में गुम रहती है, हालांकि वो मेरी क्लास की सबसे होनहार बच्ची है। देखिए एनी मेरी बेटी है और ये हमारे घर का मामला है, तो अगर आप लोग इस मामले से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए हमारा काम था कि आपको समझाएं, आपकी बच्ची बहुत अच्छी बच्ची है, होशियार है, जिंदगी में कुछ बन सकती है, आप लोग इसका ऐसा मुस्तकबिल ख़राब नहीं कर सकते। उसका मुस्तकबिल ख़राब नहीं होगा, हम शादी के बाद भी उसे पढ़ाएंगे। वैसे ये कानूनन जुर्म है नाबालिग बच्चियों की इस तरह से शादी करना। मैंने आपसे कहा ना कि आप इस मामले से दूर रहें।
हमें पता है उसके लिए क्या बेहतर करना है, ठीक है? यह हमारा घरेलू मामला है। हम एनी का अच्छा चाहते हैं। हम भी उसका अच्छा ही चाहते हैं, हम बुरा नहीं चाहते हैं, अच्छा ही चाहते हैं, ठीक? और कोई बात पूछनी है आप? नहीं, जा सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। चलो। कैसे लोग हैं? कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का। अरे ये कौन? आ रहा हूँ, अजीब बदतमीजी है। इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रहे। अरे सुन लिया मैंने। आराम से, क्या हुआ है? कौन है? हबीब को बुलाएं। नहीं है वो घर पे। अंदर ही है वो। छुपके कहीं बैठा होगा। बुलाएं उसको। देखो बहुत तमीज से बात करो और धीमी आवाज में बात करो। मुझे तरीका नहीं सिखाए ना, मुझे सीखना है आपसे कोई तरीका। मेरे शौहर को बुलाएं अंदर से प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना कि वो घर पे नहीं है। ऐसे कैसे घर पर नहीं है? घर पर ही होगा ना, जब वहां नहीं है तो यही होगा, और कहां जाएगा? देखिए तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ घूम रहे हो भाई? मैं खबरदार, अगर तुम इसको लेके घर के अंदर आए मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। जी जी भाई साहब, बस फारे करो इसे यहीं से। जी जी भाई साहब। पागल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी उतना ही घर है जितना इन सबका है, मेरा हक बनता है, मैं नहीं जाने वाली। तो तुम्हें हुआ क्या है जो सुबह सुबह यहाँ तमाशा लगा रही हो? और तुम्हें क्या हुआ जो सामान उठा के यहाँ चले आए और यहाँ तो शॉपिंग कराते फिर रहे हो? एनी की शादी है, तुम जाओ यहाँ से, मैं घर आकर। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ हबीब, मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूँ इसी घर में। तुम अभी यहाँ से जाओ राहीला, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, मैं घर आकर बात करूंगा। हबीब को क्या जरूरत पड़ी थी ऐसी लड़की से शादी करने की? हर कोई मेरे जैसा चोरू का गुलाम थोड़ी होता है जो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे पर नजर रखे। आप तो शायद नजर डाल भी लें, आपको कौन देखेगा? वैसे राहिला मुझे ना बहुत तेज और चालाक लगती है। अरे ऐसी वैसी चालाक है वो, लेकिन कहां से मेरे हबीब के पीछे पड़ गई है? अम्मा हबीब की आंखों पे तो ना मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, अब क्या कर सकते हैं? वक्त के साथ साथ सारी पट्टियां खुल जाएंगी। भला है भला। सही कह रही, चुड़ैल है। बीवी हूँ ना, मेरा भी उतना ही हक बनता है ना हर चीज में। ठीक है, मुझे भी शॉपिंग कराओ, जो मुझे चाहिए वो मुझे दिलाओ। शॉपिंग करने का दर्द सता रहा है तुम्हें? इतनी लालची हो तुम? मैं लालची हूँ? तुम क्या हो हा? अपने गिरेबान में जाके देखा है कभी? चुप! अब मत नजर आना मेरे घर के आगे। तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ मुझसे और किसी से नहीं है। अब अगर तुम मेरे घर के आगे आए तो मैं कसम खाता हूँ तुम्हें तलाक दे दूंगा।
देखा आपने उसकी हिम्मत? मैं सर चढ़कर बोल रही थी कि इस घर की बहू है, मेरा बस नहीं चल रहा था, मुझे तो मुंह तोड़ दो। तो नोच लेती ना, कुछ इत्मीनान तो होता। न जाने किस बात की सजा मिल रही है मुझे इस औरत की शक्ल में। सजा नहीं, आजमाइश है। परवाना तुम्हें नवाजेगा बाप। बाप भी इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो इस घर के गेट तक आ गई। इतनी हिम्मत तभी बहना, वो निकलेगा उससे। देखो, तुम अपने और हबीब के रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश करो। खुदा ने तुम्हें यह मौका दिया है, उसे जाया मत करो। आप अभी भी नाराज हैं मुझसे? क्या नाराज किए? बहुत उम्मीद थी तुमसे कि तुम कम से कम तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी चाहे कुछ हो जाए, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं मजबूर हूं, जैसे कि मैं सच कहा था भाभी, ये अच्छा नहीं हो। आज वो घर तक आ गई है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ऐसा वो मेरी वजह से? क्या तमाशा था? मुझसे गलती हो गई। रहीला से कहो कि अपनी हद में रहे। तुमने जिद करके हमारे सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी तो कर ली, लेकिन उसको साफ साफ कह दो कि उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी बीवी जरूर है लेकिन इस घर की बहू नहीं है। इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ आयशा है। आज के बाद दोबारा वो इस घर में आई ना, तो उसके साथ साथ तुम भी जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। आजा, मोहल्ले में इज्जत है मेरी कोई। अब खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे? जाओ। मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा नहीं होगा ऐसा, बस ये कहना चाह रहा था। अरे बस रहने दो, ले जाओ। I'm sorry. अब जाओ यहां से। बिल्कुल चाहे। आयशा दरवाजा खोलो। आयशा दरवाजा खोलो प्लीज। आयशा दरवाजा, मुझे बात करनी है तुमसे, एक मिनट दरवाजा खोलो। आयशा जाओ, तुम अकेला छोड़ दो उसको। कह रही हूं ना, अभी जिद मत करो, जाओ। इसका फोन है? जावेद के बेटे का फोन है, पता नहीं क्यों फोन। अभी ना उठाना फोन, खाना खा लो फिर उठाना, रोटी देना। ये रायता देना समीना जरा। और ये हबीब लिया है ऑर्डर मिठाई का? उठा ले, जरूरी बात होगी। अच्छा भाई सुन लेता हूँ। हेलो जी बेटा, खैरियत क्या हुआ है? कब? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा बेटे मैं, हाँ मैं आता हूँ बेटे, आता हूँ। क्या हुआ? जावेद का इंतकाल। अरे अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे, क्या हुआ? दिल का दौरा पड़ा। सुबह तो आपके साथ थे।
हाँ, एक घंटा पहले। सुबह ठीक था, बिल्कुल ठीक था। बल्कि मुझे कहना था कि जाना है मुझे लाहौर बेटे के लिए लड़की देख रहे हैं। जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं रहा बिल्कुल। इंसान सोचता क्या है और हो क्या जाता है, कितना फर्क होगा उसका मन 3-4 या बहुत हद 5 साल का फर्क हो। अरे बस समझ में नहीं आ रहा कि मैं दिल के दौरे से कैसे बच गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया सही, ऐसी बातें क्यों करते हो? दिल मेरा थक सा रह जाता है। ठीक है राम, बिल्कुल ठीक है। बस बस सारे काम जल्दी जल्दी करने, मुझे लगता है वक्त कम है मेरे पास। फाखर और रैनी की शादी कर तू मेरा। ना ना करिए, खुदा ना खासा क्यों दिल दहला देते हो मेरा। ठीक कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा, हकीकत तो यही है। अब कितनी नजरें चुरा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि जैसे जावेद दिल में इतनी हसरतें लेके चला गया, मैं भी चला जा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे, फजूल बातें कर रहे। कहाँ है फजूल बातें, एक काम करो मेरा, वो जाओ और कुर्ता निकाल दो, मैं जाऊँ, पता नहीं बच्चा किस हाल में होगा। हाँ हाँ, जाना जरूरी है। जाता हूँ। टूट ही गया मैं, बस टूट ही गया। बड़े अब्बा को मरने से इतना डर क्यों लगता है? क्या बातें कर रही हो, चुप करके खाना खाओ। पप्पो सबको मरना एक दिन, बच्ची हो बच्ची रहो। अजीब बातें करते हैं यहाँ के बच्चे भाई। और स्कूल भेजो, ये सिखाते होंगे बाप। आ गए तुम? क्या तमाशा लगाया आज तुमने मेरे घर वालों के आगे? भाई साहब के आगे मेरी कितनी बेइज्जती हुई तुम्हें अंदाजा है कुछ? मैंने बेइज्जत नहीं किया तुम्हें, अपनी हरकतों की वजह से जलील होते हो तुम। तुम चाहते क्या हो आखिर? अपनी फैमिली के साथ वहाँ गुजारे उड़ा रहे थे तुम, घूम भी रहे थे उनके साथ, और मैं क्या चाहती हूँ? तुम मेरे बीवी बच्चे है, कोई खैर नहीं है। और मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, उन्हें शॉपिंग करवाने गया था मैं। तो मैं गैर हूँ क्या भी? तुम भी मेरी बीवी हो जो मुझे परेशान कर रही है। परेशान कर रही हूँ? मैं परेशान कर रही हूँ तुम्हें? ठीक है, मैं बीवी हूँ ना, बीवी हूँ मैं तुम्हारी, सही है? बीवी हूँ ना, मेरा भी उतना ही हक बनता है ना हर चीज में। ठीक है, मुझे भी शॉपिंग कराओ, जो मुझे चाहिए वो मुझे दिलाओ। शॉपिंग करने का दर्द सता रहा है तुम्हें? इतनी लालची हो तुम? मैं लालची हूँ तो तुम क्या हो? अपने गिरेबान में जाके देखा है कभी? चुप, अब मत नजर आना मेरे घर के आगे। तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ मुझसे और किसी से नहीं है। अब अगर तुम मेरे घर के आगे आए तो मैं कसम खाता हूँ तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना वो ही कहा मैंने, और ये धमकी नहीं दे रहा हूं मैं, दे दूंगा मैं।
अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा। अरे वाह मिठाई आई है, ये किस खुशी में? पड़ोस से आई है। किस खुशी में? तुम्हें नहीं पता, फाखिर और रानी की शादी तय हो गई ना। अरे क्या हुआ, मिठाई तो खाओ। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बू, देख कर आती हूँ। तुम ना बुद्ध बनी बैठी रहो। फराज साहब घर में शादी का माहौल है, क्या हो गया आपको? पानी सर से गुजर जाएगा तब तुम्हें। बाजार उठ गई हूँ मैं आपके। क्या बात है, खैरियत है ना? जी जी है? आप कहाँ भाई साहब? अरे मैं बस तुम दोनों के पास आ रहा था, ये कुछ पैसे है ये रख लो। पैसे क्यों? अरे भाई घर में शादी है, अपने लिए कुछ खरीद लेना। हाँ कि क्या जरूरत थी भाई साहब? जरूरत क्यों नहीं थी, हमारे इकलौते भतीजे की शादी है, पहले लड़के की शादी है घर में। अब भाई का तो हक बनता है बहनों का। बैठे बैठे। वो सायका तुमने जहाँ जहाँ कहा था मिठाई और कार्ड देने के लिए, वो मैंने दे दिए हैं। भाई वो आप जरा शादी के जमीनों से फारिग हो जाएं तो आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। नहीं नहीं आप आराम से फारिग हो जाएं फिर बात करेंगे। चलो ठीक है, वैसे अच्छा किया तुम दोनों रुक गए शादी के लिए। भाई वो तो रुकना ही था हमने, बल्कि फराज साहब ने तो आपकी खातिर छुट्टियां भी बढ़वाई हैं। अरे शुक्रिया। चले मैं भाई फिर बच्चों के साथ बहुत करके आते हूँ। बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। वो केटरिंग वाला है। अच्छा ठीक है, सुनो ये फराज और साइका के दरमियान कोई मसला तो नहीं है भाई? क्यों क्या हुआ? अरे अभी मैं जब यहाँ आया तो दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। ऐसे ही हो गए होगी किसी बात पे बहस, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, आ जाए। अच्छा उसे कहो मैं आ रहा हूँ, मैं अपनी डायरी ले आऊँ। कुछ नहीं यार, देख के भाग आके गोल में भाई, इसको देखने का दिल भी कर रहा मेरा। अरे यार रिलैक्स कर, छोड़। आदर बेटा आदर। अहमद वो भाई खुदा का वास्ते क्रीज पे खड़े रहना, हमेशा रन आउट कराता है। टारगेट क्या है? आजा बेटा आजा। शॉट पार्गेट शॉट हो गया बेटा। छे कैसा लिया? चार गुड शॉट यार। चार ना चार। हां चार चार सही से। बहुत आला बहुत आला बहुत आला बहुत आला। चलो 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 आ जाओ सारे आ जाओ। चलो आ जाओ बेटा आ जाओ। चलो चलो आराम से आराम से फाखिर आराम से। सही है सही है। आराम से फाखिर। रेडी रेडी रेडी। बोल 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 बोल। क्या हो गया, आंखें नहीं है, देख के नहीं खेल सकते? क्या हो गया हीरो? आंखें हैं क्या मतलब, यहाँ खेल लेना, आगे जाके खड़े हो जाओ। क्यों क्यों आगे जाके खड़े हो जाए, तुम्हारे बाप की रोड है क्या? तो कैसे क्या तू आराम किन एक दो था आगे इधर दे जास करो करो। आंटी आंटी बाहर ना फगर भाई का बड्डा हो गया है। क्यों गई है? अल्लाह खैर करे। क्या हो गया है फाइजल? फाइजल क्या हुआ है? अम्मा पहाड़ गली में फाखे का बड्डा हो गया है। या इलाही। क्या हो रहा है? छोड़ो दूसरे को। क्या हो रहा है? अरे क्या छोड़ो से क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम? क्या हो रहा है?
भाभी माफ कर दीजिए, बच्चा है। और आंटी क्या कर रहे हो, क्यों लड़े हो, वजह क्या है? उसने शुरू किया, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कब शुरू किया था? तुमने शुरू किया था। जिसने भी शुरू किया माफी मांगो दूसरे से। चलो, कोई माफी मांगी नहीं मांग रहा इससे। मैं भी नहीं मांग रहा। तीन मांगो, मैं कहती हूँ माफी मांगो। मांगो सॉरी। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, भाभी माफ कर दीजिएगा। चलो अंदर चलो। नहीं नहीं, उसने शुरू किया बाप। चलो वो जाती है हर जगह आके। जी बुलाया आपने? क्यों मैं नहीं बुला सकता तुम्हें? क्या अब गली मोहल्ले में लड़ाइयां भी करोगे तुम? हमसे ने लड़ाई शुरू करी थी बाबा, मेरी कोई गलती नहीं है। ये हालत देखो अपनी, चंद दिनों के बाद शादी होने वाली है। क्या है मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं? मत चलाने लगा मेरे। क्या हो गया बच्चा है? मैं समझा दूंगी, दोबारा नहीं करेगा, गलती हो गई है उस। जाओ जाओ। क्या हो गया है आपको? जवान और रात के ऊपर आप हाथ उठाएंगे? बर्बाद कर दोगे तुम इसे, बल्कि बर्बाद कर दिया है तुमने। मैंने जब क्या जरूरत थी तुम्हें फाखिर से लड़ने की? मेरा बस नहीं चल रहा था मैं उसको जान से मार दूं। तो तुम पागल हो गए हो? वो मेरी एनी से शादी कर रहा है। तुम्हारी एनी? उस बिचारी को तो कुछ पता भी नहीं और वो तुम्हारी एनी बन गई। कहां से हमजा, तुम यहाँ पढ़ाई करने आए हो या ये सब तमाशे करने? पर फुप्पो ने तुम्हें कितना भरोसा करके यहाँ भेजा है, और तुम अपनी हरकतें देखो। अभी अब्बू से भी क्लास होनी है तुम्हारी, तैयार रहो तुम। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर। देखो हमजा, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपना गुस्सा पी जाओ। तुम्हें पता है सबसे कुछ हासिल नहीं होगा, अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ, जो करने आया वो करो। आज एनी अच्छी लग रही है, कल एनी बुरी लगेगी और कोई और अच्छी लगेगी। तुम इतनी चोटे खाकर आ गए हो, बड़ी चुड़ैल हो, अपने होने वाले शोहर की पिटाई पे खुश हो रही हो? ओ भाई ओ भाई, क्या कह रही हो ये तुम? क्या भाई, मैंने क्या कह दिया? मतलब सच्ची कह रही हूँ। मतलब तुम्हें ये कहते हुए अजीब सा नहीं हो रहा? क्योंकि हमें तो ये सुनते हुए बहुत अजीब सा हो रहा है कि फाखिर हमारा शोहर, मतलब एनी रिलैक्स। और देखो इस रियलिटी को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना ही बेहतर है। या मुझसे नहीं बननी तुम्हारी छुट्टियाँ, छोड़ो। सुनो, उस दिन किरण के कजन को देखा था? सुनो ना। हाँ, किरण के कजन को देखा था तुम्हें? कैसे घूर घूर के देख रहा था वो। हाँ देखा तो था हमने। शर्ट लगा लो, तुम पसंद करता है वो। अगर पसंद करता भी है तो बोलो भाई। अगर पसंद करता भी है तो अब क्या फायदा? हाँ बात तो सही है, हमारी तो वैसे ही शादी होने वाली है। वैसे हमारे घर में पसंद हो या ना पसंद हो कोई मायने तो नहीं रखता ना। मतलब फाखिर को ही देख लो, उसको तो हम जरा भी नहीं पसंद। कैसे चलेगा ये सिलसिला फायजा? पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। एनी, मेरी माँ मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे क्या पता, मतलब मैं तुमसे भी छोटी हूँ, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तो फिर और किससे पूछूंगी? अम्मी, अम्मी से पूछ लो। सान अगर अम्मी को पता होता तो शादी क्या होती है और शादी के बाद क्या होता है, क्या आज हमारे ये हाल होते? छोड़ो ना, कुछ नहीं होता। फैजा फाखिर हमारा शोहर। पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी फाखिर के साथ। ठीक हो जाएगा, कैसे बर्दाश्त करोगे उसे?
की कच्ची टहनियों को आंधियां क्यों तोड़ती है, क्यों ये लहरें कश्तियों को बेसहारा छोड़ती।